हरिद्वार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जिस प्रकार हरिद्वार में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है, उसी को देखते हुए दो दिन पूर्व हुई तोरा मोरा ज्वेलर्स की दुकान पर 2 करोड़ के अधिक लूट करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जो बेधड़क दिन में दुकानदार से करोड़ों रुपए का माल लूट कर ले गए थे, वहीं 48 घंटे में ही इस लूट का खुलासा करते हुए सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लूट की घटना में 8 अभियुक्त थे, जिसमें से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उनसे माल भी बरामद किया गया है। फरार अभियुक्त को पकड़ने के लिए तलाशी की जा रही है। वहीं पकड़े गए अभियुक्तों का पौराणिक आपराधिक इतिहास है, जो पहले कई घटनाओं को अंजाम भी दे चुके हैं। वहीं इस मामले में जो आरोपी फरार है, उनके ऊपर पुलिस टीम ने 20,000 के इनाम की घोषणा पुलिस महानिदेशक की तरफ से की गई है। सर, आप सब अदालत है तो 8/7/2021 को लगभग दोपहर 2:30 के बीच में जो है, जो शंकर आश्रम का पास स्थित एक झुलस में जो है एक बड़ी डकैती पड़ी थी, उसमें काफ़ी माल जो है लोगों ने जो डकैतों ने जो है उसको लेकर चले गए थे, फरार हो गए थे। तत्काल रूप से सभी अधिकारीगण जो है उस मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण हुआ, फॉरेंसिक एविडेंस भी हमने कलेक्ट किए थे और हमारा जिले स्तर में भी जो है हमने टीम गठित किया है इसका, और इस घटना का गंभीर तत्व देखते हुए जो है हमारा आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा भी DAG रेंज को भी DAG STF को भी इन्होंने दिशा निर्देश, उनका टीम भी जो है हमारा टीम से सम्मिलित होकर संयुक्त तौर पर जो है ये सबसे बड़ा चुनौती था उत्तराखंड पुलिस के लिए, हरिद्वार पुलिस के लिए केवल नहीं है, उत्तराखंड पुलिस के लिए बहुत बड़ा चुनौती था। इसका जल्दी अनावरण करने है तो उनका द्वारा जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं और पुलिस महानिदेशक द्वारा जो है समय समय पर जो है इसका हमारा जो प्रगति के बारे में आख्या लेते रहे और उचित दिशा निर्देश देते रहे, और पुलिस महानिदेशक मैम जो है कल जो है घटनास्थल को मुआयना करके जो है जो व्यापार संगठन का लोगों के साथ उन्होंने वार्ता करने को आश्वासन दिया है, और इसी क्रम में जो है हमने 48 घंटे के अंदर जो है इसका बहुत बड़ा डकैती का खुलासा जो है हमें द्वारा किया गया है, और इसमें जो है हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है। इन तीनों का जो है एक सचिन उर्फ गुड्डू, ये जिला सहारनपुर का रहने वाले, गंगोई सहारनपुर का, एक हिमांशु त्यागी है, ये जिला बुलंदशहर का रहने वाले हैं, और अंसार सैनी जो है ये जिला हरिद्वार का प्रसन्न का रहने वाले हैं, और जो है रुड़की में जो जिला पंचायत गेस्ट हाउस में कहते हैं कि रूप में काम करता है, और इनका द्वारा जो पता गया है कि क्योंकि हमें जो मुखबिर का माध्यम से जो है हमें पता चला कि कुछ लोग जिस दिन घटना हुई थी उस दिन वो जिला पंचायत गेस्ट हाउस में जो है कुछ लोगों को देखा गया गुड़िया के साथ, फिर हमने CCTV फुटेज में भी ये किया था। सर, आज जो हमारी टीम जाके इनको गिरफ्तार करके पूछताछ करने पे जो है ये टिंकू उर्फ हमसा सैनी द्वारा बताया गया है कि जो 5 लोग हैं, ये गैंग जो सबसे बड़ा गैंग है नॉर्थ इंडिया का, जो इस टाइप का जो ताऊ गैंग का एक प्राइम मेंबर है सतीश चौधरी, उनका नेतृत्व में जो है ये 7 लोग आए थे, उसमें 2 लोग हमने हिरासत में ले ली गई, वो पहले आके जो रुके थे फिर योजना बनाए थे, और इस घटना का अंजाम देने के बाद भी उधर रुके जो है तो दूसरा दिन सुबह जो है वो निकल के चले गए करके, और इसका द्वारा सब कुछ पूछताछ करने पर इनका द्वारा ये भी अवगत कराया गया है कि आज जो है ये लोग जो है मुझे भी कुछ पैसा देने के लिए एक जगह पर आ सकते, फिर हमारी टीम उधर गई, उनको जो लोग आए थे उनको हमने गिरफ्तार किया है। इनसे जो है 2015 बोर का है और 2003 का कारतूस 315 बोर का है, 2,16,000 रुपया बरामद किया है, 11 अदद सफ़ेद धातु की छोटी बड़ी मूर्तियां हैं, और एक अदद मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट का है और 2 नंबर प्लेट हमने बरामद किया है, जिसमें 5 लोगों का नाम और जो इनसे पूछताछ पर जो है हमारा इसमें सामने आया है, एक सतीश चौधरी, एक अमित, एक संजय, एक नितिन मालिक और एक विकास। अब इन 5 लोगों का गिरफ्तार करने के लिए और बाकी मालों को बरामद करने के लिए जो है हम टीम गठित करके टीम जगहों पर जो है अभी गठित किया जा रहा है, और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी जो है उसमें भी जो है हमें सफल मिले हैं। इस महत्वपूर्ण अनावरण का जो इन्वॉल्व कर्मचारी को उत्साह बढ़ाने करने है तो मेरे द्वारा 2,000 रुपये और
डीए धीरेन्द्र बड़ोदरा 5,000 और डीजीपी महोदय द्वारा जो है 20,000 रुपये के इनाम घोषित कर दी गई है। और ये जो सतीश चौधरी, इनके ऊपर लगभग 11 मुकदमा है, जो डकैती लूट सबका जो है उसका विवरण जो हमने दे रखा है। अभी बाकी चीज़ जो है हम प्रयास करें, जैसा और आगे सफलता मिली है हम आपको जो है अवगत करें। कैसे आए थे सर और किस तरह से ये फरार? तो दो लोग हमने पर, ये तो सहारनपुर से आए हैं इधर, और उसके बाद जो है ये अलग अलग टुकड़े से जो है ये जो घटनास्थल का सामने इकट्ठे हुए हैं। उसके बाद घटना करने के बाद भी जो है ये लोग अलग अलग टुकड़े में जो है ये लोग निकल के चले गए। अभी जो है बाकी लोग तो अभी पकड़ने के बाद, फिर ये जब कहाँ से रुड़की से निकले थे एक साथ होके ये लोग निकले थे, फिर भी जो है ये टुकड़े टुकड़े में ये हो गए हैं। अभी जो है बाकी लोग पूरा इनका स्ट्रैटेजी जो है कैसे कैसा रहा है उसी बारे में जो है मैं आपको बेहतर बता। ये कहाँ का गैंग है सतीश चौधरी सर? ये बेसिकली जो है बुलंदशहर अलीगढ़ में एक्टिव गैंग है। इसका ऊपर बहुत सारे मुकदमा है, हमने जो है इसके क्रिमिनल हिस्ट्री में दे रखा है। इसमें ये दिल्ली में है, हरियाणा में है, अलीगढ़ उधम सिंह नगर में भी है इसका जो है गैंग, थाना बाजपुर में जो है उधम सिंह नगर में 4 मुकदमा है इनका ऊपर जो है, बुलंदशहर में है, अलीगढ़ में। तो ये अच्छा से इंटरेस्टेड गैंग है। ये जब ज्वेलरी दुकान में लूट या डकैती का ये करते हैं तो पूरा सा पूरा दुकान को खाली करने का भी इनका एक मॉडल। अब तक कितना पता चला है सर, कितना लूट हुआ है, कितना घेवरात और नकदी गया है? सीधे के वादे द्वारा लगभग 2 करोड़ का इन्होंने दिया है। अभी हमने कुछ माल को बरामद किया है, अब इसका जो है हम इसका आंकलन करेंगे और बाकी गिरफ्तारी और बरामद की कार्रवाई चल रही है। तो ऐसा होगा हम आपको पूरे क्या इन्होंने रेडी करी है पूरे प्लान को करने के लिए?